Thank you हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल बंसर बायोलॉजी आज का जो वीडियो हम सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अभी पीएचडी में एडमिशन ले चुके हैं या या फिर सोच रहे हैं लेने का तो यहाँ पर ये जो फेलोशिप है इसका नाम है रमन चौपक फेलोशिप इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा अगर अभी भी आपने पी में एडमिशन लिया फ्यूचर में अगर आप अगले साल लेने वाले हैं तो ये फेलोशिप एक बहुत अच्छी फेलोशिप है ये जो फेलोशिप है अगर हम देखें इंडो फ्रेंड सेंटर की है मतलब यानी कि इंडियन और फ्रांस को मिला के ये फेलोशिप है जिसमें आपको इंडिया से फ्रांस भेजा जाएगा फॉर दी फेलो फेलोशिप के साथ और आप वहाँ पे जाके कुछ महीनों के लिए अपने रिसर्च कर सकते हैं तो अगर हम यहाँ पे देखिए इस फेलोशिप के बारे में और अगर हम जाने की कोशिश करें तो ये बेसिक इनके बारे में दिया है अगर हम यहाँ पे देखें किन के लिए है? ये इंडिया और फ्रेंच के पी रिसर्च स्कॉलर्स के लिए और एमएसटी स्टूडेंट्स के लिए लेकिन वो सिर्फ फ्रांस के लिए तो हमारा काम का पी ही है अगर हम यहाँ पे देखें इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी कि दो से लेकर छः महीने होगी अगर एरियाज़ देखें तो हमारा इसमें बायोलॉजिकल साइंस लाइफ एंड मेडिकल साइंस भी इंक्लूडेड है एलिजिबिलिटी देखिए तो एप्लीकेंट्स फ्रॉम इंडिया या मस्ट बी इंडियन सिटीजन वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए इंडिया में रहने चाहिए और रजिस्टर कर लेना चाहिए फॉर पीएचडी यानी कि आपने रजिस्टर कर लेना चाहिए पीएचडी में और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट होना चाहिए इंडिया का उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो आपकी एज जो है 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एज जो है 30 साल से कम होनी चाहिए 1 अप्रैल तक इस साल के उसी के अलावा यहाँ पर अगर आपको पहले से इधर से ऐसी फेलोशिप मिल चुकी है तो आप एलिजिबल नहीं हो या फिर स्टूडेंट्स हु हैव अ परमानेंट हाँ पोजिशन इन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज़ आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल अगर हम यहाँ पे देखिए इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो फेलोशिप सपोर्ट कितना दिया जाएगा इंडियन स्टूडेंट्स को लगभग दिया जाएगा 1500 सौ यूरोज पर मंथ पर मंथ 1500 सौ यूरोज है उसको आप इंडिया में कन्वर्ट करके देख सकते हैं वो किसके लिए आपको दिया जा रहा है डेली एक्सपेंसेस के लिए लोकल ट्रैवल के लिए एकोमोडेशन चार्जेस के लिए प्लस यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी चार्जेस इन सब के लिए आपको इतना फेलोशिप दिया जाएगा जो कि बहुत अच्छा खासा है उसके अलावा आपको वन रिटर्न एअफेयर टिकट इन इकोनॉमी क्लास आपको एयर की टिकट भी दी जाएगी आपको इंश्योरेंस कवरेज भी दिया जाएगा और आपको यहाँ पे अगर आप कॉन्फ्रेंस सेमिनार उस सब के लिए देते हो तो उसके लिए आपको स्टे वगैरह भी दिया जाएगा आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं कैसे करना है अभी हम देखेंगे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर लॉन्च कब हो रहा है अप्रैल से लेकर मे तक के लिए मे अप्रैल या मई में, में लॉन्च होगा डेडलाइन क्या है जून जुलाई में इन सब चीज़ों का भी हम डिटेल में देखने वाले हैं तो अगर हम यहाँ पे चले इसको आगे देखें तो यहाँ पे आप जा सकते हैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं पंद्रह मई तक की अब लास्ट डेट है इसकी यानी कि आपके पास अभी एक महीना है पूरी तरीके से इसको अप्लाई करने का तो यहाँ पर अगर हम देखें किस तरीके से आपको करना है यहाँ पर हम इंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे से समझते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से मैं पहले पूरा नीचे जाती हूँ यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है एप्लीकेंट्स मस्ट है प्री डिटर्माइंड प्रोजेक्ट प्रपोजल दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड एंड एग्रीड अपॉन बाई द स्टूडेंट एंड द टू सुपरवाइज टू सुपरवाइजर बिफोर अपलाइंग यानी कि आपको यहाँ पर पहले अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाना पड़ेगा उस प्रोजेक्ट प्रपोजल पर एग्री करने चाहिए आपके इंडियन का जो इंडियन सुपरवाइजर जो भी आपके पी एच डी के और उसी के साथ साथ आपको फ्रांस में जाके जिस भी इंस्टीट्यूट में करना है तो उनसे भी जाके आपको सुपरवाइज़र से आपको पूरी यहाँ पे एग्रीड मिलनी चाहिए कि हाँ ठीक है ये बच्चा जो है इस इस प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल एग्रीड है हम ले सकते हैं इसको तो इस तरीके से आपको दोनों सुपरवाइजर से एग्री एग्री चाहिए तो ये आपको सबसे पहले तो करना पड़ेगा फिर ये आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो अब यहाँ पे क्या है टारगेट ग्रुप यहाँ पे क्या है पीएचडी के लिए स्टूडेंट्स हमने पहले ही देख लिया ड्यूरेशन कितना है दो से छ महीने हमने देख लिया फील्ड ऑफ रिसर्च क्या क्या हमने देख लिया हमने फेलोशिप भी देख लिया ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं उसके बाद फेलोशिप सपोर्ट दिस ऑल थिंग इज कवर्ड अगर हम एलिजिबिलिटी की बात देखें तो ये सारी एलिजिबिलिटी भी हम देख चुके हैं तो ये सारी वही चीज़ें इन्होंने बता रखी है अगर हम यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है तो यहाँ पे आपको इधर जाके अप्लाई करना है अभी आपको क्या क्या करना होगा डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ रिसर्च प्लान प्रपोजल रिसर्च एडुकेशनल प्रपोजल मैक्सिमम अप टू फाइव पेजेस तक का आपका पूरा रिसर्च प्रपोजल तैयार होना चाहिए आप उसको क्या करने वाले हैं उसको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे उसके साथ साथ यहाँ पे द टाइटल एंड द रिसर्च वर्क प्लान एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एक्सपेक्टेड बेनिफिट फ्राम हिस हर स्टे इन द प्रपोज रिसर्च इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी इन फ्रांस और इंडिया आपका क्या है रिसर्च प्रपोजल उसके बारे में अच्छे से आपको बताना है उसी के साथ साथ उसका बेनिफिट क्या होगा वो भी आपको बताना उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे सी वी अपलोड करनी होगी मैक्सिमम दो पेजेस की सी वी होनी चाहिए उसमें आपकी रिसेंट फोटोग्राफ भी होनी चाहिए अचीवमेंट्स होने चाहिए आपका रिसर्च इंटरेस्ट होना चाहिए लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन होनी चाहिए उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम द पी एच डी सुपरवाइजर पी एच डी सुपरवाइजर से आपका लेटर ऑफ रिक रिकमेंडेशन भी होना इसके अलावा अगर हम यहां पे देखें तो यहाँ पर क्या बोला है लेटर ऑफ एग्रीमेंट फ्रॉम दी प्रपोस्ट होस्ट सुपरवाइजर इन द फेलोशिप लैब यानी कि अगर आप इंडियन स्टूडेंट है तो आपका यहाँ पे एग्रीमेंट होना चाहिए लेटर ऑफ एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए फ्रॉम दी फ्रांस जो भी आप लैब में वर्क करना चाहते हो उस लैब से और इंडियन का तो आपको होना ही चाहिए जो भी आपके सुपरवाइजर है उसके अलावा पी एच डी सीनाप्सिस और शॉर्ट समरी ऑफ पी एच डी वर्क पी एच डी वर्क का होना चाहिए शॉर्ट समरी ऑफ द पर्पज एंड इंटर्नशिप Research experience letter of पब्लिकेशन इफ़ एनी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए हेड ऑफ इंस्टीट्यूट से अ स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट होना चाहिए अ रीसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए अभी भी आपके पास एक महीना है तो आप अपने जो भी आपका गाइड है उनसे आप बात कर सकते हैं उसी के साथ साथ आप फ्रांस में जो इस भी लैब में अगर आपने कभी सोचा होगा वर्क करने का तो आप वहाँ से उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स एंड कोस्ट मस्ट रिस्पेक्ट द लेंथ इंडिकेटेड यह आपको देखना पड़ेगा सब कुछ उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें रिसीव थ्रू पोस्ट और सबमिटेड आफ्टर डेड लाइन विल नॉट बी कंसिडर्ड आपको सब ऑनलाइन ही अप्लाई करना है एप्लीकेशेंट मस्ट नेम द डॉक्यूमेंट एज फॉलो इन द रेड टेक्स्ट जो रेड टेक्स्ट में दिया हुआ है ना वैसे ही आपको एप्लीकेंट को उसको नेम करना है डॉक्यूमेंट को जैसे रिसर्च प्रपोजल को आपको करना है प्रपोजल और फिर आपका नाम सी को सी फिर आपका नाम लेटर ऑफ रिकमेंडेशन पी सुपरवाइजर से आर ओ एल आर ओ सॉरी एल ओ आर वन और इस तरीके से और होस्ट सुपरवाइजर से भी ऐसे तो ये सब आपको करना है उसके बाद अगर हम यहाँ पे कि आपको फॉर्मेट्स क्या क्या होंगे आप इधर क्लिक करके फॉर्मेट देख सकते हैं रिसर्च प्रपोजल का क्या होना चाहिए सी का क्या होना चाहिए उसके बाद मैंने यहाँ पर देख लिया था ये बता दिया था फेप से शुरू हुआ था डेडलाइन क्या है पंद्रह मई की है ये अप्रैल और मई में, में चलेगा डिक्लेरेशन इस तरीके से होगा फेलोशिप सेप्टेम्बर में स्टार्ट हो जाएगी अवार्डेड फेलोशिप शुड बी इन्वाइटेड टू सबमिट अ वैलिड ट्रेवल अकॉर्डिंग टू दियर प्रपोज ड्यूरेशन ऑफ द फेलोशिप तो ये सब इन्होंने गाइडलाइंस दी है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको दिए हैं यहाँ पर एन इंक्रीज डिक्रीज ऑफ मैक्सिमम थर्टी डेज फ्रॉम द प्रपोज ड्यूरेशन एंड विद इन द गाइडलाइंस ऑफ के तो आप ये सब अच्छे से चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने क्या दिया इसके अलावा अगर आपको ऑन इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको कोई भी डाउट है तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इनके फोन नंबर दिया है मेल आई डी दिया आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आराम से देख सकते हैं सो दिस अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी गाइज अगर आप फ्रांस में जाके पहले से सोच रहे थे रिसर्च करने का या फिर अगर आपका आगे प्लान है नेक्स्ट ईयर प्लान है तो इसको आप वीडियो को सेव करके रखिएगा एक बहुत अच्छा इसमें आपको अच्छी खासी स्कॉलरशिप भी मिल रही है सो आई होप कि इसको जान के आपको बहुत अच्छा लगा होगा इस फेलोशिप के बारे में जान के और आप फ्यूचर में इस साल या फ्यूचर में